محمد رسول الله अपनी आयती करीमा की रोशनी में थोड़ी देर कुछ अर्ज करें। सबसे पहले सारे जहान के आकर मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले सहारों के सहारे सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले अंधेरी कब्र में काम आने वाले सुभान अल्लाह अपने गुलाम को अपने दामने करम में छुपाने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में दुरूद पाक सुनाते हैं। सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। अल्लाह की सबका बकदम शान है ये सुभान और इंसान नहीं इंसान इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है ही नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है। अल्लाह उसी प्यारे महबूब की मोहब्बत में जिलाए, उसी की मोहब्बत पर उठाए। जागना हो जाग लो अपराध के साया तले, हश्र तक सोते रहोगे खाक के साया। सबसे बड़ा मर्ज जो है वो समझ लीजिए, और यहीं से इस्लाम ताकतों का राज कर देता है वो जालिम, यहीं से इस्लाम ताकतों का राज बर्बाद कर देता है। जैसे ही ये टेबलेट उतरी और आदमी गया, क्या मतलब है? अरे भाई, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, बच गई, किसी को बुरा नहीं कहना। अरे जालिम क्या कह रहा, जंगे बद्र उठा, जंगे खंदक उठा, जंगे हुनैन उठा, खाली बुरा नहीं कहा बल्कि बुरे को कत्म कर दिया। सारी इस्लाम की तारीख में तो नाबूद हो जाएगी कमबख्त, क्या बक रहा है अल्लाह। और आगे बढ़ो, उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, अखलाक सरकार का क्या है? फरमाती है वो कुरान, वो कुरान शरीफ है, वो कुरान शरीफ है। अब सुनो, कुरान फरमाता है चोर के हाथ काट दो, और ये मुल्ला कहता है किसी को बुरा न कहो, हम नहीं कह रहे, रब फरमाता चोर के हाथ काट दो, और तुम कह रहे किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, और अगर हाथ नहीं काटा जाएगा तो किसी गरीब का माल महफूज नहीं रह सकता। तुम कहते हो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, कुरान फरमाया जानी को संसार कर दो, पत्थर मार के संसार कर दो, खत्म कर दो, लिहाजा उठाओ कहाँ जाओगे, अब तुम जाओ और जानी को मिठाई खिलाओ, है ना, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, उसे हलवा अफलातून खिलाओ तो किसी बहु बेटे की इज्जत सलामत नहीं रहेगी। इस्लाम तो इसलिए आया कि बुराई को खत्म कर दो और अच्छाई को बुलंद कर दो, मगर उन्होंने अल्लाह को माद अल्लाह और अल्लाह के हबीब की तौहीन कर दी, माद अल्लाह। ज्यादा सोच रहे पहले ये दरवाजा बंद कर दो, किसी को हम किसी को बुरा नहीं, अरे कमबख्त किसको बुरा कहेगा, अब लड़ाई हुई तो बोले अल्लाह 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 तेरा दादा कैसा, और उसके बाद कह रहे मोहसिन
हम तो तुम्हारे हाथ चूमते हैं, तुम्हारे पैर चूमते हैं, तुम्हें सलाम करते हैं, कभी कोई तौहीन करी हो तो बताओ। तो मोहसिन भैया बोले, अरे कमबख्त जब तूने दादा की तौहीन कर दी तो सबकी तौहीन हो गई। अरे तूने लिखा माज अल्लाह, अल्लाह ताला शराब भी पी सकता है, अल्लाह ताला माज जिना भी कर सकता है, अल्लाह ताला माज अल्लाह झूठ भी बोल सकता है। उठाओ जरा देखो रशीद अहमद गोगोही की किताब, बताओ बराहिने आदिया माज अल्लाह माज अल्लाह। अरे जब तेरा खुदा झूठा है माज अल्लाह, तेरा खुदा जानी है, तो ऐसो से क्या समझोगा। सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। क्या पढ़ते हो? आऊज़ बिल्लाही मिनश शैतानी रजीम। ऐ मालिक ओ मौला, मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मर्दूद से। अरे क्या कर रहा है ये? कौन है इतना बड़ा मौलाना, इतना बड़ा मौलाना, फरिश्तों का उस्ताद, और मस्जिद में बैठ के उसे मर्दूद कह रहे? बैठ जा, क्या थक गए? मस्जिद में बैठ के उसे मर्दूद कह रहे? मगर देखो रब फरमाता है सुभान अल्लाह, आऊज़ पढ़ो पहले, पहले आऊज़ पढ़ो बिस्मिल्लाह बाद में। क्या मतलब? रब की मशीयत ने बता दिया मुझको रहमान और रहीम से बाद में याद करना, पहले मेरे महबूब के दुश्मन को मर्दूद कह दो। अब वहाँ भी मजबूर होके पढ़ता है और सुन्नी मजबूर होके पढ़ता है। क्यों मर्दूद कह रहे हो? अल्लाह अल्लाह तू सो अल्लाह, उसकी तारीफ करो। वो कौन था? क्या अल्लाह अल्लाह, क्या नमाजें करा करी थी, क्या शराब पी थी, क्या जुआ खेला कर रही? उसके महबूब को सजदे ताजीमी न किया। वल्लाह सुभान अल्लाह, वो सुन लेंगे फरियाद को, इतना भी तो हो कोई। अब जाओ मस्जिद के दरवाजे पे भूख हड़ताल करो, कमबख्तों देवबंदियों, खुदा का मुनकिर काफिर है, खुदा का मुनकिर तौबा करेगा तो शादी की जाएगी, बियाह किया जाएगा, रिश्ता नाता होगा। अल्लाह अल्लाह, मगर महबूबे खुदा का मुनकिर वो मुर्तद है, अगर तौबा भी कर ले तो गर्दन मार दी जाएगी। जाओ अपने मौलवी से पूछो, मालूम करो। अरे तुम्हारे मुंह में तो दही जमा है, अल्लाह के महबूब ने आपको नमाज दी, रोजा दिया, हज दिया, जकात दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बारे में मस्जिद में बैठ के, घर में बैठ के क्या पढ़ते हो? और इमाम नमाज में पढ़ता तब यदा अभी लहबियों, तब टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ। अरे भाई मोहसिन नमाज पढ़ने आए हो, सगा सरकार के चचा को बुरा कह रहे हो? अल्लाह अल्लाह, तो मोहसिन कहेंगे अरे नादान, यही तो देख ले इस्लाम में खून का रिश्ता नहीं चला है, नबी की गुलामी का रिश्ता चला। अल्लाह अल्लाह, जो जब सरकार के चचा की रियायत थी कमबख्त, तो तेरे चचा की कैसे रियायत? आका का दामन थामो, यही असल है, यही रूह है, यही गुल है, यही तमाम होने जाना माना। मैं दुनिया से तो मर गए मर्दूद, जिनकी फातिहा ना दरूद सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज किया भीड़, देखो तो गुलाब, देखो तो गुलाब, सरहाने देखो तो गुलाब,
गुलामों के हाथों में देखो तो गुलाब, सनीजों के हाथों में देखो तो गुलाब, मेरे आका की दुर्बत बात पे देखो गुलाब। गरीब नवाज चंपा नहीं है, जूही नहीं है, या समन नहीं है, अल्लाह जिधर देखो गुलाब ही गुलाब है। क्या माजरा है, गुम्बदे मुबारक से जवाब आ रहा है, इदरीस रजा सारे फूलों का राजा गुलाब है और सारे वलियों का बादशाह गरीब नवाज। ये कहते हम जाएंगे नहीं, अरे कमबख्त तेरे जाने की बात नहीं है, मेरे ख्वाजा के बुलाने की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह, ये क्या है, अल्लाह अल्लाह, तुम्हें क्या मालूम कमबख्तों, आला हजरत के प्यारे शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा फरमाते, अब भी तौबा कर लो मरने से पहले। क्या फरमा रहे हैं सुन लो, वो संगे दरे जाना, संगे दरे जाना पे करता मौलवी। अब सुनो सुभान अल्लाह, सज्जा संगे दर जाना पे करता हूँ जबी साई, संगे दर जाना पे करता हूँ जबी साई, सजदा जमन अल्लामा हसन अली रहमा। हाँ, ये रात का शेर नहीं है, बेकर का नहीं है, अजमल का नहीं, और इसे बिल्ला मेरे आला हजरत के छोटे भाई उस्ताद जमन अल्लामा हसन अली रहमत रिजवान, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नूर की बारिश फरमाए, वो अर्ज कर रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरे वक्त अजल से बेखुदी में सजदे दरिया जो किया अच्छा किया, अच्छा किया फिर तुझको किया। सुभान अल्लाह, उन्हीं प्यारों की मोहब्बत में जिलाए अल्लाह। सुन लो खूब अच्छी तरह से, अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं आला हजरत सरकार रजी अल्लाह तआला, क्या फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फरमाते, नजा का एक झटका 70,000 तलवारों के जख्म के बराबर होता है। बोलो नाज अल्लाह, फरमाया अगर फरिश्ते मुर्दे को पकड़े ना हो तो
तो जिस तरीके से मुर्ग काट के छोड़ दिया जाता है वो तड़पता है, मुर्दा पूरे घर में तड़पे, फरिश्ते पकड़े होते हैं, हजरत मलकुल मौत अली सलातो वसलाम झटके पे झटका, झटके पे माद माद अल्लाह फरमाया। एक शख्स मर रहा था, आला हजरत फरमाते हैं उसको कलमा पढ़ाने लगे, उसकी जुबान से कलमा नहीं निकला। पूछा क्या बात है, कलमा क्यों नहीं पढ़ते? तो उसने बताया कि दो आदमी खड़े हैं, वो कलमा नहीं पढ़ने दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तू हजरत सिद्दीक अकबर हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नुमा के दुश्मनों के साथ बैठता था, अब मरते वक्त कलमा पढ़ के उठेगा अल्लाह अल्लाह। आला हजरत फरमाते रहम करो अपनी हड्डियों पर, रहम करो अपने जिस्म पर। हजरत सिद्दीक अकबर हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नुमा के दुश्मन राबजी हैं, राबजियों के साथ बैठा मरने के टाइम ये हाल हुआ, और वहाँ भी अल्लाह के महबूब के दुश्मन है, उनके साथ बैठेगा तो मरने के टाइम क्या हाल होगा। आज ले इनकी पना, आज मदद से। आका इरशाद फरमाते हैं मेरे आशिक की रूह ऐसी निकाली जाएगी जैसे सोते हुए बच्चे के मुंह से माँ छाती जुदा कर लेती है। माँ छाती में बच्चा सोता का सोता रहता है। सुभान अल्लाह फरमाए ये क्या माजरा? फरमाए सुभान अल्लाह ये ताकत हुस्न है। जब हजरत ज़ुलैखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ताना दिया, ज़ुलैखा तुम किसकी आशिक हो गई? तो आपने सबके हाथों में नींबू दे दिया और छुरी दे दी और फरमाया जब मैं कहूँ तो काटना, जब मैं कहूँ। अल्लाह आप मरीज को लेके आए, अल्लाह एजाज भाई डॉक्टर साहब जरा सा इसे सुई लगा दो, रात भर इसने सोने नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा, तो मरीज बोला डॉक्टर अमीर दो कैप्सूल और दे दो मगर छुरी ना लगो, सुई ना लगाओ, सुई ना लगाओ। मगर तीमारदार बोला इनकी मत सुनो हमारी सुनो, तुम लगाई दो, रात भर नहीं सोने दिया फिर भी सोने दे। अल्लाह वो पतली सी बारीक सी सुई उसके लिए आदमी डरता है, मगर आओ देखो इधर छुरी है उधर वो कनीजे खड़ी है, इधर हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहि सलाम तस्लीम को निकाला और हजरत ज़ुलैखा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया काटो नींबू, काटो अब नींबू काटा तो उंगली कट गई, खून का फव्वारा जारी हो गया, नींबू वैसे ही का वैसे ही रह गया। फरमाते जरा गौर करो, सामने हुस्ने यूसुफ था और उंगली कट गई पता न चला, और सामने तो उसके आका मौला का हुस्न होगा। या इलाही है तेरे नाम पे मर
और आका आपका आलम ये है अल्लाह अल्लाह कि आपके नामे पाक पर मर्दानी रिजवान हुआ है तन अरब के मरद अपना सर और फिर जब सामने हुजूर होगा पता ही नहीं चलेगा। उस प्यारे आका का दामन थामो, इन वहाबियों देवबंदियों सुरे गुलियों से दूर रहो और यही पढ़ते रहो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ दे लो ये रस्ते में मैं सजा बजा थाने वाले यही है असल यही कुल यही रूह यही जान यही तमाम ये तो बताता है मुल्ला हर जुमे को बाप कहा ये है माँ कहा ये है भाई कहा ये है दाढ़ी रखो नमाज पढ़ो उस कम्बख्त से पूछ मरदूद से अरे ये कब बताएगा कि रसूल का हक क्या है आका का हक क्या है अल्लाह ना करे सबके हक अदा ना हुई और आका की गुलामी हो गई तो बेड़ा पार हो गया। हम नहीं कह रहे हैं हजरत सरकार सैयदना मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी को चौचाए मुकद्दसा फरमाते सुन लो उन्होंने लताइफ अशरफी में तहरीर फरमाया मुस्लिम शरीफ की हदीसे पाक कि अगर अल्लाह के बंदे गुनाह ना करते तो अल्लाह तबारक व तआला एक मखलूक को पैदा करता और वो गुनाह करती अल्लाह का हबीब उसकी शफाअत वो है मकामे आका मर जाए मरने वाले जल जाए जलने वाले अल्लाह अल्लाह रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा बड़े खाक हो जाए जल जाए यही असर है। और दो वाकियात बता दूं अल्लाह अल्लाह क्यों बता देते हैं अल्लाह मोहसिन भाई बोले भाई कल्ले में एक्सीडेंट हो गया मर गया वो हुआ मदनपुर में एक्सीडेंट हो गया मर गया क्यों बताया था कि इसलिए कि आप लोग गाड़ी संभाल के चलाएं गाड़ी हाँ होश में चलाएं कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए है ना भाई अल्लाह ना करे कोई वहाबी का हो जो बंदी अब आओ दो एक्सीडेंट बता दूँ और बिला तश्बीह बिला तलाश उंगली उठाओ उस सूर्य कुल्ली से बता देना ये दाढ़ी मुंडे का एक्सीडेंट नहीं है ये शराबी का नहीं है ये जुआरी का ये भी मौलाना का है किसका है हाँ कहना मौलाना अब आन करीब भी तुम्हारा हिसाब होने वाला है किसका है एक्सीडेंट अल्लाह 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 हमने पूछा डॉक्टर अमीर बोले जी हमने कहा वो आपका कंपाउंडर कहाँ गया तो डॉक्टर साहब बोले हमने निकाल दिया हमने कहा किसी गरीब के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए या तो आपने रखा ना होता रखा था तो फिर निकाला नहीं होता डॉक्टर अमीर साहब बोले भैया पता नहीं था रख लिया एक मरतबा आया तो 10 इंजेक्शन चुरा के ले गया एक मरतबा आया तो 100 टेबलेट चुरा के ले गया अब हमने कैमरे में जब देखा तो पता चला ये चोर है ये चुरा के ले जाए तो निकाला पहले पता नहीं था रख लिया और जब मालूम हुआ सुन मेरा भैया इधर देखा उधर कहा देख रहे वो तो तेरे साथ ही रहे मैं अभी आया हूँ 10 मिनट की मेरी तरफ देख अल्लाह क्या हुआ चोर था तो निकाला पहले पता नहीं था और अल्लाह ताला सब जानता है और जो कहे खुदा नहीं जानता वो काफिर खुदा ने पहले रखा खुदा ने और कितना इतना बड़ा मौलाना ये मौलाना क्या हुए है ये मौलाना इतना बड़ा मौलाना इतना बड़ा मौलाना इतना सुनो रघुबा भाई हाँ जहन सफा करो ईमान ताजा करो दिल का जंग दूर करो इतना बड़ा मौलाना जो फरिश्तों का होगा किसका रघुबा भाई बोलो इतने दिन हो गए
मुठू बेटे नबी जी भेजो, मिठू बेटे नबी, और जब वो पढ़ने लगता तो बड़ी खुशी होती है। आज तीन चार दिन से सुना रहा हूँ, आज आप भी बोलो सुभान अल्लाह बोलो। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, बोल मिठू बेटे नबी जी भेज सुभान। और जिस वक्त वो बोलता है तो बड़ी खुशी होती है, अब हमारा तोता बोलने लगा, हमें खुशी होगी हमारा रब्बा बोलने लगा। खामोश है जो हमें समझ ही नहीं आता कि माद अल्लाह कह रहे हो कि सुभान अल्लाह कह रहे हो, पता ही नहीं चलता। माद ज्यादा जोर से बोलो क्या बात अर्ज कर रहा था सुना आपने। हजरत सैयदना इमाम गजाली फरमाते हैं 600 करोड़ बरस इबादत करी, कितनी 600 करोड़ अल्लाह अल्लाह, और कितना बड़ा मौलाना फरिश्तों का सार। सुन लीजिए, इन्होंने तो भाई कल्ले का काज बताया था, इन्होंने एक्सीडेंट मदनपुरे का बताया था, मैं हुआ का बता रहा हूँ। सूबियाई कामलीन फरमाते मालिक को मौला जन्नत में रखा, मौलाना बनाया, सूफी बनाया, फिर निकाला, तू तो अली को खबीर था, मौला पहले ही निकाल दिया जाता। फरमाया रब की मशीयत के जवाब दिया सुनो, ताकि कोई मौलवी साहब ये न समझे कि जन्नत मेरे बाप की हो गई, और कोई इबादत करके सूफी साहब ये न समझे कि जन्नत मेरे, जन्नत उसी को मिलेगी जो मेरे महबूब का प्यारा होगा, मेरे महबूब से मोहब्बत, और अगर नहीं है तो निकालो। और कैसा कि रात दिन वो सुने गुल्ली मौलवी भी उस अपने बिरादरी वाले को क्या कहता, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐ मालिक मौला मैं पना मांगता हूँ शैतान से। अरे तू तो कह रहा किसी को बुरा नहीं कहते, और मस्जिद में बैठ के मजदूर कह रहा, और किसको कह रहा मौलाना को पता चला जो आका का है वो हमारा है, जो सरकार का नहीं वो हमारा। और आगे बढ़ो, इतनी इबादत कराई, यानी रात दिन तुम मस्जिद में चूता और लाए पड़े रहो, इबलीस से ज्यादा इबादत थोड़ी कर लोगे। 600 करोड़ बरस जहन्नम में डाल दिया गया, कहा अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी, लिहाजा रब ने बता दिया कि यहीं से कान होना है, आंखें खोल दो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। शहीदाने कर्बला, इमाम हसन जिंदाबाद, इमाम हुसैन जिंदाबाद, अरे गौसे पाक जिंदाबाद, अरे गरीब नवाज जिंदाबाद, अरे मशाइखे किराम जिंदाबाद। सुन लिया, मदनपुरे का तो इन्होंने बताया था डॉक्टर अमीज ने, और भाई कल्ले का मोहसिन ने बताया था, मैंने हुआ का बता दिया। कहना मौली साहब ये बताइए, अब मस्जिद के दरवाजे बैठ के रोइए इतना बड़ा। अब आओ दूसरे मौलवी का वाकया सुनो, फिर मत कहना बहुत सुने होंगे, मगर इसको मौलवी ने नहीं बयान किया होगा। पंद्रहवा पारा है, बंद कर दो मोबाइल, कौन सा पारा है, हाँ सूरह कहफ है, वानी आप बाहर बैठ गए, अरे इधर आओ तो कुछ जगह होगी, अल्लाह अल्लाह वहाँ जाके बैठ, अरे इतनी जगह जिम्न जगह होना चाहिए। सुन लिया आपने, आपकी गोदी में बैठ जाओ, हाँ इनके हाथ पकड़ लो, जाने मत दो मालिक, अगर ईमान की इबादत चाहिए इंशाल्लाह। आगे इमदाद जाने, इमदाद का काम जाने, हमने तो खरी खरी सब सुना दी। अब सुनो कौन सा पारा, अब भी नहीं समझोगे तुम, अब भी नहीं समझो, क्या
वो कुत्ता जला रूगा जला रूगा जला। आपके बच्चों का नाम हम रखते हैं और उसका नाम रब ने रखा कि सुभान अल्लाह। मौलवी बरमे बाबू ने हजरत मूसा अलैहि सलातो तस्लीम की तौहीन करी, माद अल्लाह बोलो लिहाजा मौलवी बरमे बाबू उस कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में जा रहा है। अब भी नहीं समझोगे, अब भी नहीं समझोगे। अल्लाह अल्लाह, जरा मौली साहब से पूछना, मौली साहब जरा बताओ कितने कुत्ते ने कितनी नमाजें पढ़ी, कितने रोजे रखे, कितने हज किए, कितनी जकात दी। वो तो एक नापाक जानवर है। अल्लाह अल्लाह, जब रोका उनका रहने दो का तुम भूखोगे, बादशाह को खबर हो जाएगी। कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ, ताकि कल को सुबह कोई मौलवी ये ना कहे कि ये हदीस पाक ज़ईफ है, क्योंकि इनके अकीदे ज़ईफ हो चुके हैं। तो उसने अर्ज किया जुबाने हाल से, हुजूर वो गद्दार होते हैं जो आका पे भूखा करते हैं, वफादार तो आका के दुश्मनों पे भूखा करते हैं। वो कितमीर कुत्ता जन्नत में जा रहा है, जरा पूछ लेना सुले कुल्ली मौलवी से, मौली साहब बताए नमाज पढ़े जन्नत में, बताए दाढ़ी के जन्नत में, बताए रोजे के जन्नत में, बताए हज के जन्नत में। आप तो ये सब बयान करते हो मगर ये नहीं बयान करते। अल्लाह अल्लाह, तो हमने पूछा है कश्मीर कुत्ते माजरा क्या है। अल्लाह, कोई आमाल का सामान नहीं, अरे आमाल और इफे बिल्ला, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा का दो रकत नमाज पढ़ के जन्नत का ख्वाब देखता है, मस्जिद में चूता बंधा है पड़ा रहता सर, और इफे बिल्ला का कलाम। मेरे आमाल, मेरे आमाल जा रहा है जन्नत में। अल्लाह, हमने पूछा कितमीर कुत्ते, वो मौली साहब का कांड, वो गए जहन्नम में और तुम बगैर नमाज रोजा दाढ़ी हज ज़कात के जन्नत में जा रहे हो, माजरा क्या है। जुबान हाल से जवाब दे रहे हैं, हमसे न पूछो बरेली वाले आला हज़रत से देख लो और समझ लो इंशाल्लाह। इधर मुखा इधर खड़ा हो जा। क्या नाम? मोहम्मद रजा। कौन है? मुसलमान। कौन है? मुसलमान। हाँ, अली बेटे करके समझा रहा हूँ, फिर मत कहना कि भैया ने बताया ना। अल्लाह अल्लाह, दाढ़ी है? नमाज फर्ज है? रोजा फर्ज है? ज़कात फर्ज है? हज फर्ज है? मगर मुसलमान?
अभी नहीं समझे, यानी इसके दिल में जो इसके रसूल है उसका नाम ईमान है। अरे मालिक को मौला दाढ़ी लेके नहीं भेजा है, नमाज पढ़ता हुआ नहीं आया, चाहता आता दाढ़ी लेके आता, सर के बाल लेके तो आया दाढ़ी के बाद भी नहीं समझो क्या मतलब। यानी रब ने बता दिया इसके रसूल यहाँ से ले जाओ, आमाल दुनिया में जाके सजा दे। सुभान, यही असल है, यही गुल है, यही रूह है, यही जान है, यही तमाम बाकिया रात में जूता होता है पड़े रहो, इबली से ज्यादा थोड़ी जूता होता पाओगा इतना उतने होता, मगर अगर आका का दामन है। सुभान अल्लाह, फरमाया कब्र के बारे में सुन लो, अंधेरा घर, अंधेरा घर अकेली जान, मेरे आला हजरत से अर्ज किया हुजूर इसका इलाज क्या है। अंधेरी रात सुनती चला सुनो, लहद में शेर की रूह शहर कदाब ले حضرت مولا علی خلیفۃ المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تیرے تین دشمن، انگلی اٹھا اے دشمن کون کون سے سن لو، فرماتے ایک وہ جو تیرا دشمن، ایک وہ جو تیرا دشمن، اور ایک وہ جو تیرے دوست کا دشمن۔ اگر سوچ دوستی سچی ہے تو، और अगर नाम ही किया तो बाहर हो जाए। एक वो जो तेरा दुश्मन, मेरा भैया मोबाइल बंद कर दे बेटा, इधर देख ले मेरी तरफ, कहे दुश्मन बुरे तो नहीं, एक कौन तेरा दुश्मन, दूसरा कौन, फरमाते हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह अन्हु ना, दूसरा वो जो तेरे दोस्त का दुश्मन, जो तेरे दोस्त का दुश्मन, और तीसरा कौन, फरमाया जो इन तीनों का दोस्त हो
वो भी तेरा दुश्मन। अल्लाह फरमाया यही है तीन दुश्मन, यानी एक वो जो खुदा का दुश्मन वो काफिर है, और फरमाया एक वो जो महबूबे खुदा का दुश्मन वो वहाँ भी है, देवबंदी है, राबती है, और तीसरा कौन जो इन दोनों का दोस्त हो। अल्लाह अल्लाह, हाँ वो क्या है बेहतर है गवाही थी पहले वाला शरीफ का तो मुझे किया अगला अपना भूल गया। अल्लाह ताला ईमान के साथ ईमान के साथ उठाए, याद रखो यही कुल है, अल्लाह यही तमाम है। अल्लाह ताला फरमाती है इसीलिए आदमी होता है मरने से डरता है, इसलिए कि वहाबी के साथ बैठा है, देवबंदी के साथ बैठा है, और जब सरकार के इश्क में है और वहाबी देवबंदी से दूर है। अल्लाह अल्लाह, एहसान भाई नूरी सरकार मुफ्ती आलम हिंद के मुरी सतना में रहते हैं, आप इधर है वहाँ
मेरे आका मैं तो मालिक ही हूँ, वो मालिक के हबीब यानी मैं वो मोहम्मद नहीं मेरा तेरा। फरमाया आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी होगी, मैदाने में चलूंगा एक गुनाहगार के सामने, एक आबिदे शमजिंदादार दामन फैलाए होंगे कुछ गुनाह बतौर कर्ज दे दो, तो वो गुनाहगार फरमाएंगे कि मैदाने में चले तुम बतौर कर्ज गुनाह मांग रहे हो, माजरा क्या है? तो आज करे वो देखो अहमद मुख्तार अल्लाह के लाल अल्लाह के अभी गुनाहगारों की शफाअत कर रहे हैं, सियाकारों को दामने करम में छुपा रहे। मेरे पास कुछ गुनाह नहीं, बतौर कर्ज कुछ गुनाह दे दो ताकि मुझे आका की शफाअत मिल जाए। अभी सदी से पाक को देखा तो बरेली वाले आला हजरत पुकार ऐ मोहम्मद के जिगर पारे
सलाम है इमाम दीन दुनिया है हुसैन है फरोग मशरिक वो मगरिब यादगार अजमत बदरो यादगार अजमत बदरो पर गवाह सैयदा तेरी सियादत पर गवाह कर्बला तेरी शुजात पर गवाह कर्बला तेरी शुजात पर गवाह आसमां तेरी शहादत पर वकील है मोहम्मद के जिगर पारे सलाम है अली की आँख के तारे सलाम बंदगी है फातिमा के लाडले है हसन को जान से प्यारे सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका सलातो सलाम अलैका सलातो सलाम अलैका अल्फातिहा।